धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का एक ओहकार तो लैके 18-10-20 तक का संपूर्ण स्वरूप जो अपने शीस से रख्या करते सन, तो इस सरूप बारे अज आप जानकारी लैन वास्ते और इस सरूप के दर्शन करने वास्ते पिंड ठट्टा टिब्बा गुरद्वारा दमदमा साहब नेड़े सुल्तानपुर लोधी पहुँचे हाँ। ये जो पुरातन दुनिया के सब तो छोटे आकार के सरूपों में एक सरूप हैं जिन्हां दे आप जी दर्शन कर रहे हो। इस पावन पित्र स्वरूप जिवें आप जी भी दस के हटे हो कि एक ओहकार तो लै करके 18-10-20 तक 1430 अंगा दे सुशोभित स्वरूप सुशोभित है। और इस स्वरूप के उपर जो सोने की झाल दे जो उपर लिपाई की गई है, सो ये स्वरूप बाबा वीर सिंह महाराज जी हर समय जंगा युद्धा दे विच अपने बुंगे दमाले में सजा के रखते सन। जिमें आप जी भी दस के हटे हो कि कई ने मन में शंका हुंदा सी कि बाबा वीर सिंह महाराज अपने शीस उत्ते चौर साहब क्यों करवाते सन। उहदा यही कारण सी चौर साहब करवाण दा और छतर रखण दा शीस उत्ते कि सतगुरु महाराज जी दे सरूप नूं बाबा वीर सिंह महाराज जी नंगावाद वाले हमेशा ही अपने अंग संग रखते सन, अपने गुरु नूं अंग संग समझते सन और हमेशा ही बाणी दे नाल जुड़े रहिंदे सन। क्योंकि जंगा युद्धां दे समय कई बार आप जी जानते हो कि जंगा युद्धां दे समय गुरु घर दूर दूर तक नज़र नहीं आते सन, पर उस समय युद्धां दे समय जिथे भी पड़ा हुंदा सी फौजां दा उत्थे बाबा वीर सिंह महाराज जी इन्हां सरूपां दे दर्शन करके और महाराज की अगवाई लैंदे सन, हुक्मनामा साहब सरवण करके और नाल ही सहज पाठ गुरबाणी नाल जुड़े रहिंदे सन और हर वेले अपने एक बड़ी वधिया गल है कि उस वक्त हुक्मनामा लैंदे सन पर इन्ना छोटा स्वरूप भाई साहब जी किवें हुक्मनामा लैंदे होणगे, इहदी लिखाई किवें पढ़दे होणगे उस वक्त। ये स्वरूप अपने बाबा गुरचरण सिंह जी भी दसदे सन कि जे लाहौर तो ये पहलां जो इन्हां दी छपाई करवाई गई सी स्पैशल महाराजा रणजीत सिंह दे समय इन्हां नूं तैयार करवाया गया सी इन्हां सरूपां नूं। होर भी तुसीं ये स्वरूप आप जी नूं मिल जाणगे जिवें लुधियाणे भी आप जी तुसीं ये स्वरूप इसे आकार दे पढ़न लई जो जिमें मैं महसूस करदा कि उस वक्त क्योंकि आ जिमें हुण अज असीं इस लहज दे नाल इस पावन स्वरूप नूं पढ़न दे जिहड़े दर्शन कीते आ क्योंकि उवें असीं पढ़ नहीं सकदे। हांजी, उस वक्त भी सिख जिहड़े सीगे जंगा युद्धां दे वेले जंगलां विच जिहड़ा उह इह पावन स्वरूप जिहड़ा आ पता लगता कि पुरातन समय तो यह चलता आ रहा है कि असीं कोल लेंज रख के इस सरूप के दर्शन कर सकते। सो बड़ी वड्डी गल है कि सानू साडे पुरातन बजुर्गों तो बाणी दे नाल जुड़न की एक बड़ी वड्डी प्रेरणा मिलती है। अज असी बाणी तो दूर होंदे जा रहे हैं, सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन जिथे इस पावन पवित्र स्वरूप के अज आप दर्शन किए हैं गुरु प्यारी साध संगत जी उत्थे महापुरखों का एक ये पावन पवित्र स्वरूप देखो किन्ने सुचजे ढंग नाल मैनूं लगता कि ये जिहड़ी बाइंडिंग उस वक्त की कीती हुई लग रही है ते आ जिहड़ी तनी है ये मैनूं बाद चों लगी लग रही है आ वाली तनी ये बाद चा जुड़ी हुई लग रही है। हो सकता कि उस वक्त की होवे ते बड़ी खूबसूरत कपड़े दे नाल इहदी बाइंडिंग की गई है। सतसंग जी आ देखो आपां दर्शन कर रहे हैं इस पावन पवित्र स्वरूप दे ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी का ये पावन स्वरूप साढ़े अज घर भी नहीं रही आ बाणी नहीं रही साढ़े कोल पोथी नहीं रही कोई गुटका साहब नहीं रहा असी बाणी नालों टुट गए हैं। सो सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का यह पावन पवित्र स्वरूप जो बाबा जी बाबा वीर सिंह जी नरंगाबाद वाले अपने शीश से रखा करते सी ये दो पावन स्वरूप ने वख वख दोनों ही इको साइज के ने इन्हों के साइज में कोई फर्क नहीं है।